छोटा सा ही रूम है, देखूं? यही रूम है आपका? अच्छा अच्छा, क्या नाम है? विकास। विकास, कितना विकास किया अभी तक आपने जिंदगी में? भाई ने मना कर दिया कि भाई यहाँ पे बैग का काम करने के लिए आप मत आओ। और ये देखिए, ये व्हाइट कलर का सूट है, नीचे का जो सोल है वो काम में आता है और ऊपर का जो कपड़ा होता है उसे फेंक दिया जाता है। देखिए, ये लेदर का कारखाना है, जो जैकेट वगैरह हम पहनते हैं। मास्टर, क्या नाम है मास्टर जी आपका? अच्छा, बोल नहीं सकते? मजाक कर रहा हूँ भाई, ये बोल सकते हैं? ये देखो भाई, ऊपर जो लगा हुआ है ये देखो, वास किया हुआ लेदर है। हे गाइस, मैं आपका दोस्त, आपका भाई एसएन सिद्दीकी, और एशिया के सबसे बड़े स्लम एरिया में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, अभी मैं हूँ मुंबई के धारावी एरिया में, जहाँ पे 2 किलोमीटर के अंदर 12 से 13 लाख लोग रहते हैं। दोस्तों, धारावी का नाम आते ही लोगों के माइंड में एक ही चीज़ आता है कि धारावी एक स्लम एरिया है जहाँ पे ढेर सारे लोग रहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि धारावी से $1 बिलियन से भी ज़्यादा का रेवेन्यू हर साल जनरेट होता है, जो कि हमारे देश की इकॉनमी में बहुत बड़ा हिस्सा होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये धारावी वो जगह है जहाँ पे बड़े बड़े कंपनियाँ, बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ हैं, जहाँ से बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं जो देश के हर एक कोने में सप्लाई किया जाता है। देश ही नहीं, देश के बाहर भी ये प्रोडक्ट जो यहाँ पे बनते हैं वो सप्लाई किए जाते हैं। यूएसए, मिडिल ईस्ट के कई देशों में जो है यहाँ का जो बना हुआ प्रोडक्ट है उसे सप्लाई किया जाता है। तो धारावी में जो आइटम सबसे ज़्यादा बनता है वो लेदर के आइटम है, शूज़ और जैकेट वगैरह है। बाकी कपड़े के भी आइटम बहुत सारे यहाँ पे बनते हैं, एल्यूमिनियम हो गया और प्लास्टिक के कई आइटम यहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं जो बनती हैं। और मैं आपको बता दूँ कि दोस्तों, यहाँ पे जो लोग मुंबई आना चाहते हैं और मुंबई में रहना चाहते हैं, यहाँ पे काम करना चाहते हैं, उनको एक आइडिया भी मिल जाएगा कि मुंबई में कैसी लाइफ है, धारावी जैसे जगह पे कैसे लाइफ को अपने जिया जा सकता है। ये देखो भाई, ये धारावी का जो है फ्लाईओवर है, जहाँ से लोग स्टेशन से बाहर निकलते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे ना बहुत सारे फॉरेनर वगैरह जो है आते रहते हैं घूमने के लिए, देखने के लिए, क्योंकि ये एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है, इसलिए यहाँ पे फॉरेनर वगैरह बहुत सारे आते हैं, टूरिस्ट जो है। ये देखिए यहाँ पे, ये जो सामने आपको दिख रहा होगा, ये अंकल बैग लेके जा रहे हैं। ये देखो, बैग यहाँ से ही बन के बाहर जाता है। ये देखो भाई, यहाँ पे पुरानी चप्पल वगैरह जो होती है ना, उसे बिन के लाया जाता है। और उसके बाद ये देखो, इसमें जो यूज़ करने वाला मटेरियल होता है जिसे रिसाइकिल किया जा सकता है, उस मटेरियल को निकाल के रिसाइकिलिंग में डाला जाता है। और ये ऊपर वाला क्या करेंगे, इसको फेंक देंगे? ये भट्टी में जाएगा। अच्छा, ये भट्टी में जाएगा जलाने के लिए यूज होता है। अच्छा, ये भी यूज़ हो ही जाता है कहीं ना कहीं? हाँ, यहाँ पे वहीं का पास में जाएगा। अच्छा, जो आउटसाइड में गाँव में जो भट्टा होता है ईट ऊट बनने का, उसमें डालते हैं। ये भी मतलब बिकता ही होगा कहीं ना कहीं? कचरे वाले लेके जाते हैं, जलाने वाले। अच्छा, दिन भर का कितना मतलब हो जाता होगा आपके हिसाब से? सर, अपने ऊपर है, जितना करेंगे उतना ही बनेगा। मेहनत के ऊपर है, जितना मेहनत करते हैं। तो देख सकते हैं भाई कितना मेहनत है यार। किलो के हिसाब से है? किलो के हिसाब से है। अच्छा, एक किलो के हिसाब से मतलब जितना किलो का आप करोगे उतना किलो का पैसा मिलेगा? अच्छा, दिन भर में कितना किलो फिर भी आपके हिसाब से कर लेते हो? 500 किलो भाई। कितना घंटा मतलब करते हो काम? 9 बजे बैठते हैं, 8 बजे बंद करते हैं। रात के 8 बजे तक, मतलब कि 13 घंटा। कितना महीना हो गया गांव से आके? 3 महीना हो गया। गांव की याद आ रही है? इतना दूर से आए हैं फैमिली को छोड़ के, फैमिली भी होगी, बच्चे भी भी। जूते चप्पल वगैरह जो पुराने होते हैं वो सब को यहाँ पे लाके अलग अलग मटेरियल किया जाता है। और यहीं पे रहना, यहीं पे सोना, यहीं पे खाना, सब कुछ यहीं पे है, इनका काम भी यहीं पे है। और 13-14 घंटे का काम होता है ये दिन भर का। और किलो के हिसाब से ये भाई ने बताया कि काम करते हैं हम लोग, जितने किलो का हम लोग मटेरियल अलग करेंगे उतने किलो का हमको सेट पैसा देता है। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे रहने का किस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे रहने का भी इंतज़ाम यहीं पे है, यहीं पे सोते हैं ये लोग, यहीं पे खाते हैं और यहीं पे काम भी करते हैं। तो बड़ी मेहनत का काम है, ऐसा नहीं है कि भाई मुश्किल वाला, एक आसान ज़िंदगी है, बहुत मेहनत वाला काम है।
और किस तरीके से लोग देख सकते हैं इस धरावी में लोग ज़िंदगी अपनी गुजार रहे हैं भाई। अलग अलग शहर से, अलग अलग सिटी से लोग आते हैं यहाँ पे कमाने के लिए, रोज़ी कमाने के लिए, दूर दूर से लोग। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या बनता है। बैग, बैग बना रहे हैं भाई। और अच्छा ये ट्रॉली बैग है कि वो वाला टांगने वाला बैग है, हैंड बैग है ना। अच्छा तो पूरा रेडी करते हैं आप लोग बैग। देखो भाई ये बैग का कारखाना है जहाँ पे पूरा बैग रेडी होता है, बैग बन के जो हम लोग बैग हैंड बैग जो टांग के चलते हैं वो बैग यहाँ पे रेडी होता है, उसके बाद मार्केट में जाता है। यही धरावी के अंदर ये सारी चीज़ें बनती है। देखिए ये स्टार्टिंग सिलाई है, ये स्टार्टिंग है, इसके बाद सेकेंड साइज ये होता है ना। ये देखो यहाँ पे ये वाला जो है ये ट्रॉली बैग है, ट्रॉली बैग है जो बन रहा है यहाँ पे। क्या नाम है भाई? मोहम्मद इम्तियाज। मोहम्मद इम्तियाज भाई कितने साल से काम कर रहे हो? मैं 7 साल से काम कर रहा हूँ। 7 साल से काम कर रहे हो। अच्छा ये ट्रॉली बैग मतलब बनाने में कितना टाइम लगता होगा एक बैग रेडी करने में? एक बैग नहीं, एक दिन का 10 पीस होता है। एक दिन का 10 पीस बन जाता है? तो क्या कमाई हो जाती होगी इसमें 10 पीस अगर आपने बना लिया? मतलब सैलरी बेस पर रहता है कि बैग के ऊपर रहता है काम? पीस रेट के है, बैग के ऊपर पीस रेट पे। एक बैग का 50, एक बैग का 50 रुपये मिलता है। तो जो बैग के अंदर जो मटेरियल यूज होता है वो सारे स्क्रू वगैरह, ये देख सकते हैं ये सारे स्क्रू वगैरह लगते हैं, लॉक और जो भी हैंडल वगैरह रहता है। ये देखिए किस तरीके से पूरा बैग रेडी होता है। और दोस्त आप भी बहुत मेहनत कर रहे हो, आप कपड़ा लगा रहे हो अंदर। क्या नाम है? विकास। विकास कितना विकास किया अभी तक आपने जिंदगी में? शर्मा रहे हो यार तुम भाई, शर्मा क्यों रहे हो यार? कहाँ के रहने वाले हो? बिहार। बिहार कहाँ पे? बिहार कौन सा जिला? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी सीतामढ़ी। अच्छा तो कितना टाइम हो गया गांव से आके? 1 साल। 1 साल हो गया, याद नहीं आ रही है गांव की? आ रही है। किसकी किसकी याद आ रही है? गांव में कौन कौन है? मम्मी पापा है। मम्मी पापा हैं। कमाई हो जाती है मतलब भर? जितना ज़रूरत है उतना हो जाती है कि नहीं? जो लोग बिहार से और आना चाहते हैं मुंबई काम करने के लिए उनको क्या कहोगे? आना चाहिए यहाँ पे? आना चाहिए। सीधा ही भाई ने मना कर दिया कि भाई यहाँ पे बैग का काम करने के लिए आप मत आओ, अगर आ रहे हो तो फिर क्या काम करें? और भी टेक्नीशियन कोई भी काम कर सकते हैं। अच्छा बाकी बैग का काम शुरू में नहीं करना चाहिए? नहीं बेकार है, ये लोग जो पुराने कर चुके हैं ना, नए बंदे इसमें कोई भी नहीं आते। अच्छा मतलब शुरुआत में अगर काम करेगा तो उसको पगार उतनी नहीं मिल पाएगी? पगार तो मिलता है, 10,000 मिल जाता है स्टार्टिंग से ही। शुरुआत से ही मतलब हेल्पर में ही? मेहनत बहुत ज़्यादा है इसमें। अच्छा मतलब 12-15 घंटा मेहनत है? 14 घंटा ड्यूटी, सुबह 9 से रात 11 बजे तक काम करना। ओ भाई 14 घंटा ड्यूटी करना पड़ेगा, इसके लिए सब काम सही नहीं है। 8 घंटे ड्यूटी वाले बहुत सारे काम है, वो सब काम करें। हाँ ये बात है। तो भाई का कहना यही है कि भाई अगर आप शुरू में आ रहे हो तो बैग का काम मत करो, कोई और काम करो, क्योंकि बैग के काम में काफ़ी ज़्यादा मेहनत है और 14-15 घंटा ड्यूटी है। तो अगर आप 14-15 घंटा ड्यूटी कर सकते हो तो बैग का काम करो आप, क्योंकि पगार तो आपको उतनी मिल जाएगी। बोल रहे हैं कि 10,000-9,000 पगार आपको मिल जाएगी अगर स्टार्टिंग में आप काम कर रहे हो तो। ये वीडियो देखने से आप लोग को एक आइडिया लग जाएगा, जो लोग मुंबई आना चाहते हैं उन्हें मतलब आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, उन्हें आइडिया लग जाएगा कि भाई यहाँ पे आने के बाद क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कैसी ज़िंदगी है मुंबई में और ख़ास करके धरावी में। तो मैं अभी एक कारखाने के बाहर खड़ा हूँ जहाँ पे कपड़े की सिलाई वगैरह होती है, कुछ कपड़े का आइटम बनता है। तो अंदर चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि क्या चीज़ का यहाँ पे काम हो रहा है, क्या बना रहे हैं भाई लोग। कैसे हो भाई? क्या नाम है भाई आपका? बारिक भाई। सिलाई करें? किस चीज़ की सिलाई करें भाई? ये शर्ट की सिलाई है। क्या है? शर्ट है?
अच्छा वाइट सेट है, देखो वाइट सेट का ये कारखाना है जहाँ पे वाइट सेट वगैरह सिलाई हो रही है। और भाई आपके क्या नाम है? मोहम्मद सहनशाह। मोहम्मद सहनशाह हैं, और कहाँ से भाई? मैं बिहार से। बिहार से हो, कितने साल से काम कर रहे हो इधर? हाँ मतलब मुंबई में। मुंबई में तो 3-4 साल से काम कर रहे हैं। अच्छा, और बाकी गाँव की याद आती है कि नहीं? गाँव का तो याद आती है, गाँव की कैसे याद नहीं आएगा। कितना टाइम हो गया मतलब गांव से आए हुए? गांव से आए हो गया मतलब 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीने। कितने महीने पे वापस जाते हो? 4-4.5 महीने के अंदर जाते हैं। 4-5 महीने में रिटर्न जाते हो। यहाँ पे मतलब जितना भी सिलाई हो रहा है सब शर्ट का ही सिलाई हो रहा है पूरा? अच्छा, एसएन सिद्दीकी। हाँ सो गाइस, अभी मैं दूसरे एक कारखाने में आ गया हूँ। ये देखो सीढ़ी चढ़ के अंधेरा है, यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलते हैं और इस कारखाने में देखते हैं हम लोग के क्या यहाँ पे बन रहा है। ओ ये देखो कारखाने के अंदर, ये मालिक ऊपर पतरे वाला कारखाना है। कैसे हो भाई? क्या नाम है भाई? आमिर भाई हैं। तो ये कारखाना आमिर भाई का है और इस कारखाने के मालिक हैं आमिर भाई। आमिर भाई, यहाँ पे क्या चीज़ बनता है? यहाँ पे बच्चों का जो कोट सूट होता है रेडीमेड, वही बनते हैं। 1 साल से लेके 14 साल तक के बच्चों का कोट पैंट बनता है। ठीक है, मैं इधर रेडी होता है। हाँ बाहर सेल में जाता है। हाँ यहाँ से। अच्छा, बाहर सेल करते हैं? अब बाहर सेल करते हैं आप इंडिया के मतलब अलग अलग सिटी में? सिर्फ मुंबई में मतलब पूरे ऑल इंडिया में? ऑल इंडिया में, यहाँ से बाहर देश में भी जाता है। अच्छा, जिसे यहाँ पे कोई काम करना चाहता है, बाहर से आना चाहता है मुंबई में और कोट पैंट का जो काम करना चाहता है, तो भाई क्या कमा सकता है यहाँ पे आने के बाद? वो यहाँ पे आने के बाद एक्चुअली क्या है, उसको थोड़ा नॉलेज रहना चाहिए। नहीं है तो अगर उसको टाइम देना पड़ेगा, टाइम देने के बाद क्या है ऐसा ऐसा वो और काम सीख जाएगा तो महीने का 30,000 कमा सकता है। महीने का 30,000 कमा सकता है अगर उसमें टैलेंट ज़्यादा रहेगा। तो वो महीने का 30,000-40,000 भी कमा सकता है। टैलेंट के ऊपर है, काम के ऊपर है, जितना अच्छा काम कर पाएगा उतना अच्छा कमा सकता है। समझना पड़ेगा, अगर समझ जाएगा वो तो कमा सकते हो। ये मटेरियल है जो कोट के ऊपर यूज होता है, अच्छा ये रेडी पीस है सब। इसमें तो बड़ों का भी है मेरे हिसाब से। ये वास्कोट है। अच्छा, तो ये सदरी बोलते हैं। हाँ हाँ, तो ये बड़े का है वास्कोट। आप लोग बनाते हैं? वास्कोट बनाते हैं। अच्छा। बाकी बच्चों को सिर्फ कोट ही बनाते हैं। चलते हैं आगे और देखते हैं और क्या दिखता है हमें। ये देखो भाई, ये रूम देखो, 4-5 महले का बिल्डिंग खड़ा कर दिया भाई। ये रूम है और इसके ऊपर भी कारखाने वगैरह हैं। ये देखो यहाँ पे बैग रखा हुआ है, ये बैग वगैरह जो भी है ना यहीं पे सब बनते हैं, यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। ये देखो बैग बनाने का जो मटेरियल है यहाँ पे रखा हुआ है बाहर। ये देखो ऐसी जगह में ड्रम ड्रम सब मिल जाता है। अच्छा, ये ड्रम में पानी भर के फिर यूज करते हैं घर पे नहाने वाने के लिए? अच्छा अच्छा, ये वाला आपका घर है? ये ऊपर वाला है? अच्छा आपका ही है। बड़ी मुश्किल जिंदगी है ना, पानी ड्रम भरो। कहाँ के रहने वाले वैसे आंटी आप? यूपी के रहने वाले। बहुत साल से रहते होंगे यहाँ पे तो? अच्छा, गरीब हो गए? हाँ सही बात। छोटा सा ही रूम है, देखूं आंटी? यही रूम है आपका? अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये आपका खुद का है भाड़े पे है? आपका ही है? अच्छा, बहुत छोटा सा है लेकिन।
दिया। अच्छा, कितना भाड़ा होगा आंटी ये वैसे यहाँ पे अगर रूम का? ज्यादा है। कितना भाड़ा होगा वैसे यहाँ पे, जैसे आपका रूम है 6-7 हजार भाड़ा? अच्छा, ये लेदर का कारखाना है, जो जैकेट वगैरह हम पहनते हैं उस, ये देखिए मशीन में अभी कलर कर रहे हैं इसको, आइनिंग हो रहा है, हीट कर रहे हैं, मतलब इसको कलर हो चुका है इसमें। अच्छा, अब जो भी बनाना होगा प्रोडक्ट वो बन जाएगा। वैसे इसमें बनता क्या है, बैग बनता है? अच्छा, जैकेट? जैकेट नहीं बनती, अलग लेदर आता है। ये मतलब कौन सा लेदर है ये? अच्छा, ये देखो भाई ऊपर जो लगा हुआ है, ये देखो वाश किया हुआ लेदर है, इसको सुखाया जाता है ये। अच्छा अच्छा, ये पूरा मतलब ऐसा रेडी करने में कितना दिन लग जाता है? महीनों का प्रोसेस होता है ये यहाँ तक पहुँचने में। कच्चा लेदर जो चमड़ा होता है उसको महीनों चला जाता है, सुखाना पड़ता होगा। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कि धरावी में कैसे काम होता है, कैसे कारखाने में काम लोग करते हैं और कैसे ज़िंदगी अपनी बिता रहे हैं। वीडियो देखने के लिए यहाँ तक थैंक यू सो मच। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।